जय हिंद वंदे मातरम एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतार कर एक इतिहास रच दिया है और भारत के इस महत्वाकांक्षी मून मिशन को सफल बनाया है। भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रशिया, चाइना जो कि चांद की सतह पर उतर चुके हैं, भारत इस फहरिस्त में चौथे नंबर पे आ गया है जिसने चांद की सतह पर अपने चंद्रयान 3 को उतारा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये चंद्रयान 3 जो चंद्रमा पर पहुंचा है, ऐसा पहली बार हुआ है कि वो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। ऐसा करने वाला भारत इकलौता और पहला देश है। लेकिन इस खुशखबरी के, इस गौरव के पल के बीच में राजनीति बहुत हो रही है। 23 तारीख जब से चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड किया है उसके बाद से इस पे राजनीति गर्म हो चुकी है। राजनीति लगातार हो रही है, किसी का कुछ बयान आ रहा है, किसी का कुछ बयान आ रहा है। लेकिन ये देश का जो मिशन था, चंद्रयान मिशन था, इसके सफल होने पे जहां एक और पूरी दुनिया खुशी मना रही है, वहीं भारत के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो रोना रो रहे हैं। क्यों रोना रो रहे हैं? क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है और जो सत्ता में हैं उनको वो क्रेडिट नहीं देना चाहते। हालांकि ये क्रेडिट की दौड़ सिर्फ विपक्ष लेना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो चंद्रयान मिशन है, इसरो है, इसकी स्थापना कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों द्वारा करवाई गई थी, मान लेते हैं। लेकिन चंद्रयान 3 जिस समय जा रहा है उस समय किसके हाथ में सत्ता है, ये आपको सहज ही दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस खुशी, इस गौरव के पल पे हमें जहां एक और गौरवान्वित होना चाहिए, हमें इस मिशन की सफलता को सराहना चाहिए, वहीं हमारा विपक्ष जो है वो रोना रोने शुरू कर देता है। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो भारत की सराहना करते नहीं थक रहे हैं। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, वहाँ के भी कुछ नेताओं ने भारत के इस मून मिशन की सराहना की है, तारीफ की है। लेकिन पाकिस्तान के ही कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इसका विरोध या इस पे अपना रोना रो रहे हैं, और वो उनका रोना जायज़ भी है क्योंकि उनका दुश्मन आगे बढ़ रहा है तो उन्हें देखने में तकलीफ़ होगी। लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे भी देश हैं जो भारत की इस सफलता, भारत के इस बढ़ते कदम को वो पचा नहीं पा रहे हैं, हजम नहीं कर पा रहे हैं, और वो ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं जो उनके घटियापन को ही दर्शाता है। खैर, आइए हम आपको बताते हैं कि भारत अब कितना बदल चुका है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे पहले इंकोस्पार के नाम से जाना जाता था, सन 1962 में एक समिति के रूप में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया और 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है और भारत अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट को 15 अगस्त 1975 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करता है। लेकिन जहां से आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है वो भारत की धरती नहीं थी, वो थी रशिया की धरती और रशिया का ही रॉकेट। 1975 में रशिया की मदद से भारत अपने उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करता है। इसके बाद 7 जून 1979 को भारत भास्कर नामक एक उपग्रह फिर भेजता है और भारत का अंतरिक्ष में जाने का ये सिलसिला शुरू हो जाता है। इस प्रकार भारत ने पिछले 48 सालों में यानी सन 1975 से लेके 2023 तक 93 स्पेस प्रोग्राम को अंजाम दिया है। इनमें से 48 स्पेस प्रोग्राम पिछले 9 सालों के दरमियान पूरे किए गए हैं, जिसमें चंद्रयान 3 भी शामिल है। आपको ये जानकर गर्व होगा कि भारत ने इन 48 सालों के दौरान 431 विदेशी सैटेलाइट्स को भी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। यानी भारत के इसरो ने 48 सालों में 431 सैटेलाइट्स को भेजा है और ये सभी विदेशों के प्रोजेक्ट्स हैं। और अगर पिछले 9 सालों की हम बात करें तो भारत ने पिछले 9 सालों में दूसरे देशों के, यानी दुनिया भर के कई देशों ने, जिसमें लगभग 35 देश शामिल हैं, उनके सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा है, जिसकी संख्या है 395। जी हाँ,
395 स्पेस प्रोग्राम को भारत ने अंजाम दिया है, यानी इसरो ने अंजाम दिया है, वो भी दुनिया भर के अलग अलग देशों के लिए। और इस तरह से दुनिया भर के जो देश हमारे ज़रिए, भारत के ज़रिए सैटेलाइट भेजते हैं, उससे इसरो ने लगभग 35,000 करोड़ की कमाई की है। यही इसरो एक समय पैसे के लिए परेशान हुआ करता था, पैसे की किल्लत के चलते कई मिशन को पोस्टपोन करना पड़ता था, कैंसिल कर देना पड़ता था। लेकिन आज इसरो का सरकारी बजट जो है वो भी बढ़ा दिया गया है, वो करीब 3 गुना कर दिया गया है, और दुनिया भर के देशों के सैटेलाइट को आसमान में भेजकर भी अपना इसरो पैसे जुटा रहा है, जो कई मिशन के लिए उनको काम देगा। इसके साथ ही आने वाला जो अगला मिशन है वो है सूर्य के ऊपर हमें रिसर्च करना है। तो ये है जानकारी इसरो की, इसरो स्थापना के बाद से कैसे अपना, किन परिस्थितियों में अपना फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च करता है, और आज यानी 2023 में वो चंद्रयान 3 के ज़रिए चंद्रमा पे अपनी पूरी पैठ बना चुका है। यानी हम ये कहें कि भारत अब दुनिया के उन 4 देशों में शुमार हो चुका है जिसने चंद्रमा पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और भारत ने एक नया कारनामा ये कर दिखाया है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला भारत पहला देश बन चुका है। चंद्रयान 3 वहाँ से कई जानकारियाँ जुटाकर हम तक भेज रहा है और लगातार भेज रहा है। इसमें हमें वहाँ पे जीवन की तलाश, पानी की तलाश, कई ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिनकी तलाश के लिए वो वहाँ पहुँचा है। तो चंद्रयान 3 की इस उपलब्धि का हम सभी भारतवासियों को गर्व है। तो बने रहिए एक्सपोज टाइम्स के साथ। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।